हमने खुद अपने हाथों से उन तमाम लाशों को निकाला, 5 लाशों को, और उनको कपड़ों में लपेट के जब हम ऊपर पहाड़ पर लेके जा रहे थे, जहां हम लेके जा रहे थे वहां हमारी फैमिली मेंबर भी बैठे हुए थे। जब बच्चों ने उनको देखा तो उससे काफी वो स्ट्रेस हुए और अभी तक वो उनकी आंखों के सामने वो सीन जो है वो चल रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मेरा ताल्लुक गांव शेरकिला डिस्ट्रिक्ट गजर गिलगित पाकिस्तान से है और गुज़िश्ता 6 सालों से मैं ट्रोट फिश फार्मिंग के शोबे से मुंसलिक हूँ। 2022 जो साल गुजरा है उसमें हमारी जहनी सेहत काफ़ी मुतासर हुई, वो इस तरह की 5 जुलाई 2022 को इन्वायरमेंटल चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़बरदस्त सैलाब शेरकिला गाँव में आया। उसमें यह है कि हमारे तमाम जो मकान थे, हमारे दरख्त थे और मेरा जो लाती फिश फार्म जिसको मैंने 5-6 साल की बड़ी मेहनत के बाद बनाया था वो सारा उसमें बह गया। उसके बाद जो सेहत थी वो काफ़ी मुतासर हुई। अक्सर हम रात को सोते वक्त ये सोचते थे कि नहीं जी कोई इस तरह का नुकसान नहीं हुआ है, हमारा फार्म अपनी जगह पे और हमारी जमीन अपनी जगह मौजूद है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। इस स्ट्रेस की वजह से, इस दबाव की वजह से बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। हमारी फैमिली मेम्बर जो छोटे बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, वो अब तक इस स्ट्रेस से नहीं निकल सके हैं और बड़ों ने किसी हद तक इस पर काबू पा लिया है और आई होप कि आइंदा हम इस पर काबू पा लेंगे। जब यह हादसा हुआ तो जो सब कीमती जाने ज़ाया हुई थी शेरकिला में, वो बिल्कुल मेरे नेबरहुड में वो ज़ाया हुई थी। हमने खुद अपने हाथों से उन तमाम लाशों को निकाला, 5 लाशों को, और उनको कपड़ों में लपेट के जब हम ऊपर पहाड़ पर लेके जा रहे थे, जहाँ हम लेके जा रहे थे वहाँ हमारी फैमिली मेम्बर भी बैठे हुए थे। जब बच्चों ने उनको देखा तो उससे काफी वो स्ट्रेस हुए और अभी तक वो उनकी आंखों के सामने वो सीन जो है वो चल रहे हैं और इस तरह हम खुद भी उससे जो है काफी हम इफेक्ट हुए, क्योंकि हमने अपने आंखों के सामने एक जीते जागते इंसान को मरते हुए और उसको सैलाब के नजर होते हुए देख लिया। हमारी फैमिली मेम्बर्स ने बहुत सपोर्ट किया, गवर्नमेंट के इदारों ने भी हमारे बहुत सपोर्ट किया। उसके अलावा NGOs, मुख्तलिफ किस्म के NGOs यहाँ आए सैलाब के फौरी बाद, उन्होंने राशन की सूरत में, कपड़ों की सूरत में, टेंट्स वगैरह में प्रोवाइड किया और AKHS ने भी हमें जो है बहुत सपोर्ट किया। तो इस वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं कि हम दोबारा अपने पाँव पर खड़े होकर हमने अपना काम शुरू किया है और इंशाल्लाह आगे भी हम इसको जारी रखें। मेरा पैगाम ये है कि जो लोग इस कुदरती आफात में जो मुतासर होते हैं वो कोशिश करें इससे निकले और दोबारा अपनी ज़िंदगी में, दोबारा अपने काम में लग जाएँ, क्योंकि हादसा और ये कुदरती आफात इंसान की ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं। इनसे घबराना नहीं चाहिए और दोबारा बहाली की तरफ बढ़े और अपना काम शुरू करें और अपने जहन को जो है ना नेगेटिव सोच से पॉजिटिव की तरफ चले जाए और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए।